मेला इसको बोलते हैं जर्व। जय हिंद साथियों, मैं पंकज मिश्रा बनपाल बनमंडल सीधी से। साथियों, आज बसंत पंचमी है और हमारे क्षेत्र में एक जर्व स्थान है, वहाँ पे मेला लगता है, तो हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं। साथियों, यह मेरा जंगल में यह मेला लगता है कई सालों से, तो और बड़ा अच्छा स्थान है, वह गोपर नदी किनारे में है, तो हम लोग आज वहाँ पर चल रहे हैं। और साथियों, वह पर्यटन की दृष्टि में बहुत अच्छा स्थान है, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं और उस मेले का आनंद लेते हैं। हम लोग उस स्थान पर चल रहे हैं जर्व, जहाँ पे मेला लगा हुआ है। हम लोग थोड़ा अपना जंगल घूमेंगे साथियों। साथियों चलते हैं, ये अपना जंगल ही है हमारा, उस पार ये जंगल है और इस पार ये गोपर नदी है। इस गोपर नदी के किनारे पर एक मेला लगता है जो जर्व स्थान है के नाम से फेमस है, तो ये अपने पर्यटन के लिए, अपने जंगल के लिए बहुत अच्छा स्थान है। साथियों, हम लोग गोपर नदी पर हैं और ये अब चल रहे हैं मेला, ये अपने जंगल से, ये अपना ये स्थान, और ये यहाँ पे अब हम लोग बीच गोपर में हैं। साथियों, हम लोग यहाँ पे हैं ये जरा पर, और ये स्थान आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं संडवा। यहाँ पे लकड़ी दो ठो रखी जाती है, यहाँ पे दो ठो लकड़ी रखी जाती है, उसके ऊपर से आदमी जाते हैं। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो मोटी रखी जाए तो ये टूट जाती है, तो यहाँ पे पतली लकड़ी रख कर लोग बाग यहाँ से आते जाते हैं, और यहाँ से फलांग कोई नहीं कर पाता, ऐसी मानता है। जो फलांग करते हैं तो डायरेक्ट नीचे ही गिर जाते हैं इसमें। और यहाँ पे कोई सुनार लोग आए हुए थे तो यहाँ पे डूब गए थे, उस दिन से यहाँ पे लकड़ी रख के आवागमन होने लगा। तो साथियों, हम लोग चलते हैं और इसको पार करते हैं, उस पार चलेंगे। इसके बीच से ये नदी बह रही है। साथियों, हम लोग ये जरब में हैं, यहाँ पे हमें इसमें है ये पत्थर है, तो इस पत्थर के पानी के कारण ये ऐसा हो गया है, या पानी यहाँ पे गोल गोल घूमता है, इसलिए कि ये कट के चिकना हो गया है, इसको आप देख सकते हैं। और ये यहाँ तक ये खाली है, जैसे ये है। साथियों, कुदरत के अलावा ऐसी संरचना कोई नहीं कर सकता, सिर्फ कुदरत ही है कि प्रकृति ही है कि जो इस प्रकार अपना आविष्कार करती है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। मैं अपने कैमरा आप थोड़ा सा उधर दिखाइए, साथियों हम लोग चलते हैं, अब इसको उतरते हैं। साथियों, हम लोग चल रहे हैं और इसको ये करते हैं। काफी हम लोग इसको पार कर गए हैं और काफी जोखिम भरा था, देखिए तो नहीं आपका साथियों काफी जोखिम भरा था ये पार करना, तो हम लोग किसी तरीके से यहाँ से पार किए। और यहाँ पे काफी सुगा अच्छा स्थान लग रहा है ये गोपर नदी में। ये स्थान पर साथियों जर्व को बोलते हैं। यहाँ पे साथ से पार करने की लकड़ी रखी हुई है। देख सकते हैं कितना प्रकृति ने किस प्रकार इसको बनाया है, ये पानी कारण है
इसमें होल हुए हैं ये, इसको अब ये पानी के कारण ही है, ये पानी जो गोल गोल घूमता है यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे छिद्र बन गए हैं पानी के कारण। काफ़ी ये स्थान है वो, इसको बोलते हैं जर्व, बहुत ही अच्छा स्थान। और यहाँ पे कुछ लोग पूजा पाठ भी करते हैं। ये सब लोग यहाँ पे नारियल ओरियल तोड़ते हैं, देवक स्थान इसको मानते हैं जर्व को। और बहुत ही अच्छा स्थान ये, हमारे पर्यटन की ये जंगल में बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। उन संभावनाओं में एक ये स्थान है हमारे जंगल पर। यह हमारे टिकरी से अंदर पड़ता है, ये हमारा अपना जंगल दिख रहा है जहाँ पे मैं पदस्थ हूँ। बहुत ही अच्छा स्थान, इसको हम लोग छूते थे, बहुत ठंडा है, सब पत्थर से ठंडा है सर, है ना? हाँ, सब पत्थर से एक नंबर का ठंडा है। दूसरा पत्थर आई बगल वाला पत्थर आई है, बिल्कुल हल्का गर्म है सर, है ना? हाँ, ये एक नंबर का ठंडा है सर। ये सोनार कभी गया था सर, तो इसमें गठरी धर दिया, कूद गया उधर। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, ये प्रकृति का संपदा है, इतनी सारी बाढ़ में भी ये पथरा नहीं बहता। ये मेरा साथियों, हम लोग चलते हैं और इस मेले में घूमते हैं। चलो जी जी, चलो एक मेले में व्यापारी लोग लेके आए हुए हैं। चलो 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 बेटा, सब गांव वाले हैं यहाँ के, जो आस पड़ोस के गांव वाले हैं, जो कुछ लड़के समोसा खा रहे हैं। बजाओ बजाओ, ये यहाँ पे लोहे का आइटम लगाए हुए हैं। ले बे जंगल काटे का, अरे तो कमजोर वाली ले ले। हम लोग भजिया खाएंगे इस मेले में, काफी हम लोग कुछ गन्ने ले लें और एक जगह बैठ के चुनेंगे। क्या रुपया गन्ना दिए भैया? 40। 40 रुपया के? चलो यार दे दो यार, 40 रुपए का एक ना। चलो ठीक है, ले 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 ले, चल। साथियों, हम लोगों ने मेला किया है यहाँ पे जरा पर, बहुत अच्छा था ये, अपने जंगल के बीच पे ही मेला लगता है और बड़ा अच्छा है यहाँ पे। ये अपनी गोपद नदी का किनारा है और यहीं पे मेला लगता है, बहुत दिनों से ये मेला लग रहा है यहाँ, और काफ़ी अच्छा स्थान है ये अपने प्रकृति का। साथियों, हम लोगों ने इस मेले का आनंद लिया और इस जर्भ का, बहुत ही अच्छा रमणीय स्थान है। साथियों, यह मेरा वीडियो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि यह मेरा वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सके और इस स्थान के बारे में लोग अधिक से अधिक जान सके और यह पर्यटन बन सके। साथियों, यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया मेरे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।